everyone, welcome back to this live session. So hope you all are doing good. So अभी कुछ घंटे पहले मैंने एक live session किया था और उसका जो journey था उनका जो journey था that was quite different जो usual journey होती है. And that story जो story मैंने अभी share की थी आपके साथ वो आपको डराने के लिए नहीं थी, वो आपको इंस्पायर करने के लिए थी कि टफ से टफ सिचुएशन आती है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मारनी है. सो आज हमारे साथ होंगे यश्विता, वो अपनी जर्नी शेयर करेंगी. सो अभी मैं उनको थोड़ी देर में आपके साथ यहाँ पे जो ऐड करती हूँ सो दैट शी कैन शेयर हर जर्नी, वो अपने स्ट्रगल्स, कैसे उनकी जर्नी चल रही है, क्या साइड इफेक्ट्स थे, वो सारी चीजें आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे. सो इंस्टाग्राम में लास्ट टाइम भी जब हमारा कनेक्ट हुआ था. यस यस हेलो हाय यश्विता, सो वेलकम बैक टू दिस लाइव सेशन. आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू. तो गाइस आपको याद होगा कि हमारा लाइव सेशन एक बार हो चुका था, लेकिन थैंक्स टू इंस्टाग्राम लीक आ गया था तो वो अपलोड ही नहीं हो पाया. एंड उसके बाद जो है हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ना यशोदा को ना मुझे. सो फाइनली आज यशोदा हमारे साथ है जो अपनी जर्नी जो है यहाँ हमारे साथ शेयर करेंगे. सो वेलकम बैक यशोदा. हेलो, हाउ आर यू? हाउ इज एवरीवन? कैसे हो सब लोग? हमने बहुत कोशिश की रिकॉर्ड करने की और वापस लाइव सेशन करने की, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल वो हो नहीं पा रहा था. बट फाइनली यशोदा इज हियर विद अस. सो लेट्स स्टार्ट यशोदा. जैसे अगर जिस तरह का सीजन चल रहा है अभी, तो आपको इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या थे जिनसे आपको पता चला कि आपको टीबी है और किस टाइप का? तो मुझे अभी फिलहाल पल्मोनरी एमडीआर टीबी है, और जब डायग्नोज हुआ था उसके 3 months पहले से मेरे को बहुत एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा था. मैंने विद इन 3 months अराउंड 5 to 6 केजीज लूज किया था, और बहुत एक्सट्रीम कफिंग थी, बहुत म्यूकस निकल रहा था. स्टार्टिंग में नॉर्मल कफिंग थी, तो बढ़ते 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 थोड़ी ग्रीनिश येलोइश और फिर इन्फेक्शियस कफिंग स्टार्ट हो गई. कुछ भी खाती थी तो प्यूक हो जाता था, और बहुत दवाइयाँ ली मैंने, एंटीबायोटिक्स भी ली, डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट डॉक्टर्स भी यही बोल रहे थे कि वो एलर्जिक कफ है. किसी को भी ये समझ नहीं आया था कि वो ट्यूबरकुलोसिस है. और आफ्टर 3 months जब हमने सीटी स्कैन करवाया तब हमें पता चला कि इनफैक्ट वो ट्यूबरकुलोसिस है. और उसके बाद भी ट्यूबरकुलोसिस में भी 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हो. उसके मेडिकेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं. एक होता है नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस, एक होता है एमडीआर में भी शॉर्टर रेजिमेन एंड लॉन्गर रेजिमेन. मेरा भी लॉन्गर रेजिमेन चल रहा है, और काफी मैंने पिछले 2-3 महीने में जब से मैंने थोड़े सा वॉरियर से इंटरेक्ट किया है ना, मैंने ये मुझे पता चला है कि काफी लोग है जो शॉर्टर रेजिमेन ले रहे हैं, बट उनके शॉर्टर रेजिमेन खत्म होने के बाद उनको ये पता चल रहा है कि उनको शॉर्टर रेजिमेन सूट ही नहीं किया, और फिर उनको वापस लॉन्गर रेजिमेन पे जाना पड़ रहा है. अभी एक जन है पंकज जी, जो कि जिनको मैं जानती हूँ, उनके साथ ये हुआ है. उनके 4 months ऑफ ट्रीटमेंट के बाद उनको ये पता चला है कि शॉर्टर रेजिमेन उनको सूट नहीं किया, उनको लॉन्गर पे अब शिफ्ट करना पड़ रहा है. तो आप क्या ऐसा कोई वे जानते हो जिससे हमें पता चल सके कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? मेन थिंग इज आपका सीबी नेट जब करवाते हो या जीन एक्सपर्ट करवाते हो, फिर एम्फोसिन रेजिस्टेंस का आपका पता चलता है. आई थिंक बेसिस ऑन दैट वो आपका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर देती है, देन वो कल्चर भी करवाते हैं. जब कल्चर होता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो फर्दर जो है मेडिसिन सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, उसके बेसिस से बाकी मेडिसिन की रेजिस्टेंस चेक की जाती है. मे बी बेसिस ऑन दैट रिजल्ट उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चेंज किया जाता है. अगर और मेडिसिन भी रेजिस्टेंट होती है तो फिर रेजिमेन में चेंजेस आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में रेफ्रेंसिन रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही आपका ट्रीटमेंट लगाते हैं. क्योंकि कल्चर टेस्ट को आने में आई थिंक 6 weeks तो लग जाता है. तो लगता ही है, फिर लॉन्गर है, शॉर्टर बीडी क्यू तो दे रहे हैं वो,
बस ड्यूरेशन बढ़ जाता है, थोड़ा मेडिसिन में डिफरेंस हो जाता है। बट यार दिस इज अ चैलेंज। वो एक होता है कि मेंटल स्टार्टिंग में आप बोल रहे कि 9 महीने का है, 9 महीने का वो बिल्कुल परमिट करता बिल्कुल है, लेकिन 9 महीने से वो एकदम जो है 18 में शिफ्ट हो जाता है। 18 मंथ हो या जाते हैं, ट्रू, एग्जैक्टली तो इसलिए ट्रॉमेटिक फॉर द पर्सन ऑल्सो कि भाई, क्योंकि दवाई, हमें दवाई खाने से भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आई थिंक जो मेन ट्रॉम होता है वो होता है ड्यूरेशन का। एंड जो आपकी एग्जैक्टली। और जो मतलब जिन्होंने 4 मंथ शॉर्टर रेजिमेंट की दवाई ले ली, उनको मेंटली ये फील होता है कि हाँ बस मेरी आधी ट्रीटमेंट ओवर हो गई है, हाफ ही लेफ्ट है। बट अचानक से वो 18 मंथ का उनपे फिर सरप्राइज या शॉक बोल लो वो गिरता है, तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और नर्वस हो जाते हैं वो, उनके बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज होने लग जाते हैं जिससे काफी लोग कोपअप नहीं कर पाते हैं, राइट क्योंकि राइट इतनी टीबी मेडिकेशन की साइड इफेक्ट्स ही इतनी ज्यादा है, प्लस इतनी ज्यादा जो क्या बोलते हैं ड्यूरेशन भी इतनी लंबी हो गई, अब तो क्या कर सकते हैं। बस या बट होपफुली ये ड्यूरेशन जो है जल्दी खत्म हो जाएगी, थोड़ी हाँ और शॉर्ट हो ऑब्वियसली जाएगी, क्योंकि और भी ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी ये है कि वो प्रॉपर हर पॉपुलेशन के लिए एग्जैक्टली यूज किया जा रहा एग्जैक्टली है। बट आई थिंक विद टाइम इट विल गेट बेटर। अभी जैसे टीबी वैक्सीन का भी आ गया है जो एडल्ट के लग रही है, तो वो भी लगवाएं। अगर टीबी चैंपियंस है, टीबी सर्वाइवर्स जो है वो लगवाएं, और उसके साथ साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो तो जरूर ही लगवाएं, क्योंकि वो क्लोज कॉन्टेक्ट में थे। तो जैसे कि अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है ट्रीटमेंट का? अभी मेरा 11th मंथ कंप्लीट होने वाला है, और सॉरी मेरा 12th मंथ कंप्लीट होने वाला है, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा मुझे 18 मई को। ओके, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? लाइक एक साल आई से एम आपने फीलिंग ट्रीटमेंट मच कंप्लीट बेटर, की। आई एम फीलिंग मच बेटर, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आई है, जैसे कि बीच में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी की बहुत इश्यूज हो गई थी सारे सिटीज में, तो उस टाइम पे कुछ मेडिसिन बंद हो गई थी मेरी, जैसे साइक्लोसिरीन, शायद आपको भी दिया होगा डॉक्टर ने, साइक्लोसिरीन उस टाइम पे डॉक्टर्स ने बंद कर दी थी क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब वो वापस अवेलेबल हुई है तो मेरी वो रीस्टार्ट की गई है, तो जो साइड इफेक्ट्स 5 महीने से कम हो गए थे वो रीस्टार्ट हो गए हैं, तो ये थ्रू आउट द ट्रीटमेंट चलता ही रहता है, बट ओके विल डील विद इट। या ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन मेडिसिन शॉर्टेज की जैसे आपने बात की, वो 3-4 महीने बहुत ज्यादा था, उस टाइम नहीं मिल रही थी, फिर वो थोड़ा सा फिर आ गया, लेकिन अभी दोबारा जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लाइक पर्सनली डीएम किए जा रहे हैं कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं है आपके घर, आई थिंक वो दोबारा से हो रहा है। पूरा रीजन मैं इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहूंगी कि किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट या गाइस अगर जो पर्सन जो है अगर वो बाय कर सकता है बाहर से, तो बाहर से लेके जरूर खाएं। बाकी अपनी या बाकी अपने नेटवर्क में पूछे, क्योंकि किसी के पास जो होती है ना बच जाती है मेडिसिन, तो वो सेंड कर सकता है, और आप दूसरी स्टेट से भी हेल्प ले सकते हो। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, दिल्ली में एक अंकल थे, तो उनको कोई मेडिसिन थी वो उनको मिल ही नहीं रही थी कहीं पे भी, तो यहाँ पूरा हिमाचल में एक्स्ट्रा थी अवेलेबल, तो आई कॉन्टेक्टेड 2-3 पर्सन, तो हमने यहाँ से उनको दिल्ली मेडिसिन भिजवाई। तो इट इज पॉसिबल अगर उसके नेटवर्क में है तो आप ग्रुप में पूछो, तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन कुछ ना कुछ जो है हेल्प मिल सकती है। तो ये तो चलो ट्रीटमेंट का हो गया, लेकिन आपको क्या क्या साइड इफेक्ट रहे जिनसे कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए? यू वर लाइक कि बस ये खत्म हो जाए भगवान, फिर मैं तो चलूंगा। एक तो था बहुत, मैंने बिफोर टीबी ट्रीटमेंट मेरे को मेडिकेशंस के पहले डिप्रेशन या एंजाइटी क्या होती है मुझे नहीं पता थी, आई वाज अ वेरी हैप्पी टू गो पर्सन, बट मेडिसिंस के बाद इतनी मेजर डिप्रेशन, इतना मेजर एंजाइटी होने लग गया है जो कि अभी तक है कंटिन्यू, होपफुली जल्दी खत्म होगा, बट हाँ काफी है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता है ना तो दिमाग नेगेटिव साइड पे ज्यादा जाता है। मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई थी जो कि टीबी के मेडिसिन के बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स में आता है, पाँव की सेंसेशन और नर्व डैमेज हो गया, मेरा स्किन कलर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, आई वॉज वेरी फेयर प्रीवियसली जो कि अभी पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, हेयर फॉल, स्किन के इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी में रैशेज होते हैं, मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में थोड़ा पेन भी रहता है, बॉडी में भी काफी जॉइंट पेन है, और मेजर तो यही है। बीच में एक दवाई थी हमारी लाइनजोलिड बोल के, उससे विजन इश्यूज भी हो रहे थे, बट वो डॉक्टर को मैंने बताया,
तो उन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया उस दवाई को, उसके जगह मुझे एक सब्स्टिट्यूट दवाई दी। तो अभी विजन की इश्यूज कम है, वो धीरे धीरे होते होते ठीक भी हो जाएंगी, बट मेजरली यही साइड इफेक्ट है। तो जैसे वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात करें तो उसमें आपको कुछ फर्क है? क्योंकि मैंने सुना है कि मुझे ये साइड इफेक्ट नहीं था, या मैंने महसूस नहीं किया, या इतना ज्यादा नहीं था मुझे, लेकिन जिनका भी रेजिमी चेंज हुई है जैसे थोड़ी बहुत, तो उनको ये इश्यू बहुत ज्यादा आता है, प्राइम साइड इफेक्ट्स में ये आता है। तो क्या ये अभी भी आपको है? क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी ये रहता है काफी टाइम, अभी भी है। मैंने डॉक्टर को ये बताया तो उन्होंने एक दवाई मेरी चेंज की, उन्होंने एक नर्व्स की दवाई जो कि प्रेगाबलिन बोलते हैं उसको, मेथिकोबलिन और प्रेगाबलिन दी थी मुझे, जो कि मैंने 3 to 4 months से उससे काफी आराम मिला है। बट जब तक ये दवाइयां बंद नहीं होगी ना, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंटिन्यूड रहेगी। और बट एज अ पेशेंट और एज अ वॉरियर हमें ना उसे हैंडल करना सीखना पड़ेगा, विच इज थ्रू एक्सरसाइजेस और वॉक्स, और मतलब आप दवाइयाँ लो, फिजिकल में फिजियोथेरेपीज करवाओ उसी से, या नॉर्मल एक्सरसाइजेस होती है, नॉर्मल जो पाँव की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है वो सब करो, उससे काफी रिलीफ मिल जाए। सो इसके साथ साथ ये तो चलो आपने मैनेज करना सीख लिया, और थैंक यू बताने के लिए, क्योंकि बहुत जनों को नहीं पता होता, क्योंकि वीक होते एक्सरसाइज करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। तो आप थोड़ी बहुत मसाज कर सकते हो अपने स्ट्रेचिंग, जैसे आपने बताया वैसी सारी चीजें करते हो। दूसरा साइड इफेक्ट बताया कि स्किन कलर डिसलोरेशन हो जाती है, तो उससे आप कैसे कोप अप कर रहे हो? क्योंकि अपीयरेंस इज एवरीथिंग, स्पेसिफिकली बाल उनके अच्छे लगे, मतलब दिखना अच्छा चाहिए, और एकदम जैसे बताया कि फेयर से लेके बिल्कुल ही डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया, ये तो खुद को भी वो फील होता है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। दूसरा, कई बार लोग कमेंट पास भी करते हैं, भाई इसको क्या हो गया, गोरी सी बिल्कुल काली हो गई, या समथिंग अपीयरेंस जैसे भी होते लोग कमेंट करते हैं, जिसको आप नहीं करते। तो आप कैसे फील करते हो उस टाइम, या क्या आप उनको कोई आंसर करते हो, या कैसे सिचुएशन को पूरा डील करते हो? देखिए, मैंने एक चीज अपने दिमाग में बिठा ली है कि ये टेम्प्रेरी है, सिर्फ तब तक ही है जब तक दवाइयाँ चल रही है, और जब तक ये दवाइयाँ चल रही है तब तक ये बहुत मेजर इशू है जो हील हो रहा है, जो कि ज्यादा जरूरी है। जो स्किन के इश्यूज है, जो बाल के इश्यूज है, वो मुझे 1 साल बाद ठीक मिल हो जाएंगे मेरे, आई विल बी बैक टू नॉर्मल। मेहनत करनी पड़ेगी बट इट विल बी बैक टू नॉर्मल, बट ये जो दवाइयां हैं वो लेना और ज्यादा जरूरी है, वो उससे जो क्योर हो रहा है, जो डिजीज क्योर हो रही है वो ज्यादा जरूरी है। लोग बोलते रहेंगे जिसको जो बोलना है, आप एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, ध्यान मत दो, और आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे खुद की हेल्थ ज्यादा मैटर करती है। जितने भी लोगों की टीपी से गुजर रहे हैं उनको ये चीज समझ में आ गया कि हेल्थ इज वेल्थ, ये चीज जो मेन चीज है उनको समझ में आ गई, तो बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी है। और मैंने काफी वॉरियर सर्वाइवर्स से बात की थी, आपसे भी मेरी बात हुई थी, कि नॉर्मल जो स्किन कलर है वो धीरे धीरे वापस आ जाता है, हाँ टाइम लगेगा बट आ जाएगा, तो इस चीज में हमें टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। उस मोमेंट पे हाँ खराब लगता है जब कोई बोलता है, कुछ बोलता है, बट इट्स ओके, यू हैव टू, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, सो इट इज मेड मी स्ट्रॉन्गर। तो एक और चीज मुझे पूछनी है कि देखो, एक चीज होती है टीबी के साथ, टीबी की दवाइयां भी आप कर रहे, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक और माइंड में आता ही आता है, व्हाट इफ अगर टीबी रिलैप्स हो गया तो? हाँ, true, true. तो ये कैसे डील करते, क्योंकि बहुत सारे जने मुझसे पूछते हैं, आप पहले बताइए तो मैं बताऊंगी मैंने कैसे डील किया था। देखिए, मैं आपको एक चीज सच्ची बताती हूँ, ये थॉट मुझे बीच में एक फेज आया था मेरी लाइफ में, जब सिर्फ यही थॉट नहीं, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लग गई थी कि व्हाट इफ आई डाई, मतलब डेथ एक ऐसी चीज है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, व्हाट विल हैपन, इतना नेगेटिव फेज चला गया था मेरा। और एक चीज जिसने, एक जन जिसने मुझे सपोर्ट किया था, वो मेरी स्पिरिचुअलिटी थी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट किया, मैं मंदिर जाना स्टार्ट की, मैंने भगवान जी का नाम लेना स्टार्ट किया, नाउ आई एम मच बेटर। मैंने खुद को ये बार बार बोल के ये अफर्मेशन दिया कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ अगर लगता था तो मैं डॉक्टर्स को कंसल्ट करती थी, क्योंकि डॉक्टर्स नो बेटर कि क्या चल रहा है। जब डॉक्टर ने बोला कि आप हेल्दी हो तो आप हेल्दी हो, और जो होना है अल्टीमेटली वो होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कितने लोग हैं जो बैठे बैठे एक्सीडेंट से पास अवे हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर दैट आप अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हैप्पी रहो। और मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि मे बी आप 1 मिनट में मर जाओ,
मे बी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट क्या आप अपना वो 1 मिनट रोते हुए बिताना चाहते हो, हंसते हुए बिताना चाहते हो, दैट इज अपॉन यू। सो जिस दिन पे उसने मुझे बोला मैं उसी चीज को फॉलो करती हूँ, तो बस। बिल्कुल, मतलब एक सेंटेंस ने आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी। तो सभी एग्जैक्टली को यही ध्यान में रखना है, टीबी रिलैप्स, देखो चाहे कोल्ड हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी है, इट्स नॉट लाइक दैट को एक बार ठीक होगी तो दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन हम लोगों को प्रिकॉशंस रखनी होती है इवन आफ्टर एग्जैक्टली ट्रीटमेंट। अभी एडल्ट की भी वैक्सीन आई है, जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाए तो वो वैक्सीन जो है बिल्कुल लगवाएं, आप लगवाएं, आप अपने घर वालों को भी लगवाएं, उनको तो अभी भी लगवा सकते हो आप, बिकॉज आपको तो भी ट्रीटमेंट भी आप नहीं ले सकते, लेकिन जो घर वाले हैं आपके उनको वैक्सीन जरूर लगाएं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये तो हो गया ये एक बात। अभी आपने हनुमान चालीसा की बात की, तो हाँ देखो दो तीन चीजें होती है ट्रीटमेंट में, एक होता है हमारा टीबी का ट्रीटमेंट, मेडिकेशन लेते हैं, सेकेंड होती है हमारी डाइट होती है। डाइट पर हमें ऐसी चीज चाहिए होती है जो हमें इस फेज पे कॉन्टिन्यूस चलाते रहे, मतलब हमें कहीं ऐसा, मतलब जैसे ने आपने कहा नेगेटिव थॉट्स ना आए या चीजें ना आए, तो हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय पाठ, बिल्कुल ये एक ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ देती है, बिल्कुल स्पिरिचुअल पर्सन और नॉट, पर ये आपको करेक्ट, स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ देती और है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मुझे कभी भी एंजाइटी हो या हैवीनेस फील हो रहा हो, सेम सेम हनुमान सेम चालीसा पढ़ो और आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ऐसे एक बात मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, ऐसे एक क्या हुआ, मैं किसी की काउंसलिंग कर रही थी, मैं वाज टॉकिंग टू हर, बट एक जो चीज मैंने देखी उसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी चीजों को लेकर, क्योंकि टीबी हो गया है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग, दैट सिचुएशन अब्सॉर्ब करना होता है, एग्जैक्टली एंड दैट वाज व्हाटएवर आई वाज टॉकिंग टू हर, कुछ भी मैं उसको बोल रही थी, शी वाज रेजिस्टिंग फॉर एवरी, क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस पावर नहीं थी। तो मैंने फर्स्ट कॉल किया उनके साथ, सो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं, तो मैंने उनके कहा कि हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, आई टोल्ड हर कि दीज आर द प्रॉब्लम, लेकिन हम सेकेंड टाइम बात करें तो प्लीज थोड़ा सा मतलब अपने आप में थोड़ा सा चेंज लेके आए। तो चेंज सब आए, मैंने एग्जैक्टली उनको सब बता दिया, डाइट किया रही है वो, मैंने कहा आप एक और चीज करोगे, बोलते हाँ जी बताओ, मैं क्या हनुमान चालीसा कर सकते हो रात को, बोलते नहीं, हाँ मैं क्योंकि बोलते मेरी एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है, मेरा फेथ नहीं है गॉड में, और जब भी मतलब मेरे को ऐसा कुछ हुआ, मेरे को मतलब ऐसा ना गॉड के सपने आते थे, तो मेरे साथ बुरा ही हुआ है हमेशा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने कहा आप ये क्यों नहीं कि गॉड का सपना आया तो मे भी आपको इंडिकेशन दे रही कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एग्जैक्टली इट माई बी इंडिकेशन फॉर यू, साइन फॉर यू टू बी अलर्ट, आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा। हाँ तो वही वही वो ऐसे कि ठीक है आपको नहीं है फेस, दैट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, पर आप टीवी की मेडिसिन ले रहे हो ना, पूरा दिन ले रहे हो, रात को हाँ एक डोज हनुमान चालीसा की ले लेना डेली। ले लो एग्जैक्टली। और एक्चुअली पता है इसमें मेजर चीज है ना, हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी अगर हमारे साथ नेगेटिव होता है ना, तो हम ये सोचते अरे ये नेगेटिव हो गया, पर हमें ये सोचना है कि मे बी इससे कुछ बड़ा नेगेटिव होने वाला था जो कि मे बी रुक गया। एग्जैक्टली हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा हेल्प किया है मुझे थ्रू आउट माई मेडिकेशन जर्नी। जब भी ऐसा लगता है ना कि अब नहीं हो रहा, लाइक फॉर इंस्टेंस अभी मेरी 1 साल की मेडिकेशन खत्म होने वाली है, बट जब जब 6 मंथ्स की खत्म हुई थी और मुझे ये फीलिंग थी कि 1 साल अभी बाकी है, जो कि सबको होती है, ऐसा था कि 1 साल में दवाइयां कैसे लूंगी। अभी 6 महीने में इतना बुरा हाल है, 1 साल तो भाई नहीं होगा। आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। और टचवुड, ये 6 महीने कैसे बीते मुझे नहीं पता चला। और स्टार्टिंग के कुछ महीने आप बहुत फिजिकली वीक होते हो, आप नहीं कर पाते हो ज्यादा कुछ, बट नेक्स्ट नेक्स्ट 1 ईयर या उसके बाद ना स्ट्रेंथ आने लगती है। तो वी शुड कीप आर सेल्फ बिजी, जितना बिजी रहो, जितने चीज में जो चीज पसंद है वो करो, पढ़ाई पसंद है वो करो, बाहर जाना पसंद है वो करो, बस खुद को बिजी रखो, तो आपकी मेडिकेशन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही दो तीन चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी हाँ होती है अपने टीबी ट्रू ट्रीटमेंट ही नहीं, किसी भी टफ फेज में आप गुजर रहे एग्जैक्टली हो, बट ये शिवत जितना मतलब स्ट्रांगली आप चीजों को फेस कर रहे हो, जितना मतलब जिस स्माइल से आप बात कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आज मैं आप एक चीज सोचो ना मैम, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इतनी बुरी बीमारियां हैं जिनका कोई क्योर ही नहीं निकला अभी तक,
होते हैं ऐसे लोग जिनके, इनफैक्ट मेरे खुद के फादर ही पास अवे फ्रॉम अ वेरी क्रॉनिक डिजीज 10 years back. उनको भी लंग्स की ही डिजीज थी, और वो ऐसी डिजीज थी जिनकी अभी तक कोई क्योर नहीं निकला है. हम फॉर्चुनेट है कि ठीक है हमें डिजीज हुई है, बट हमारे पास इसका क्योर है, हमें दवाइयाँ लेनी है, 1 साल का स्ट्रगल है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसको पॉजिटिवली जितना लोगे, मे बी गॉड हैज समथिंग बेटर इन प्लान फॉर अस, इट हैपन, दैट्स द ओनली थिंग. बिल्कुल। और आपको कभी ऐसा फील हुआ जैसे ट्रीटमेंट का, मतलब लॉन्ग ट्रीटमेंट आपका 18 मंथ का है, तो ऐसा लगा कि लाइफ में पॉज आ गया हाँ, वो तो काफी बार. है, कैसे मतलब उसको जैसे होता है ना कि एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे फ्रेंड्स लोग होते हैं और भी हाँ, काफी टॉप कर रहे होते हैं, हमसे आगे निकल जाते हैं, वो एक एक एग्जैक्टली फीलिंग होती है आपके अंदर, तो है. कैसे करते हो उसको? मेरे को जब टीबी डायग्नोस हुआ था, तब मैं दिल्ली में थी, मैं अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, काफी अच्छी चल रही थी तैयारी. मैं कॉलेज में, ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स को मैं देखती हूँ, आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्स. कोई जॉब कर रहा है, कोई अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे कोई अपने एग्जाम्स दे रहे हैं, डिग्रीज अचीव कर रहे हैं. बट मेरी लाइफ पिछले 1 साल से काफी स्टैगनेंट हो गई है, क्योंकि दवाइयों की वजह से ना ही मैं अपने सिटी को छोड़ के जा सकती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल से भी मिलना इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दवाइयों की बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होती है, बहुत नींद आती है, दिन भर थोड़ा वीकनेस रहता है. तो आई प्रेफर गोइंग टू स्लीप ऑन टाइम, एंड थोड़ा मैं घर से बाहर निकलना भी थोड़ा अवॉइड करती हूँ. तो वो चीज होती है, बट अल्टीमेटली दिमाग में सिर्फ यही है कि बस ट्रीटमेंट खत्म होने तक की देर है, फिर वी गेट बैक, फिर वी गेट बैक. कोई बात नहीं, 6 महीने रेस्ट करो, भगवान ने टाइम दिया है कि मस्ती से रेस्ट करो, फिर करेंगे वापस. बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसा थॉट प्रोसेस हम लोगों को रखना चाहिए, एग्जैक्टली. अगर ऐसा कुछ नहीं रखोगे, देखो यही है कि एक लॉक है उसकी की आपके पास हाँ, ही है, जैसे आपका ट्रू. माइंडसेट होगा, जिस तरह से आप सोचोगे उसी तरह से जो है आपका दिन निकलेगा, उसी तरह से आपका ट्रीटमेंट निकलेगा। तो पूरा निकलेगा. एग्जैक्टली. यशविता, आपको ये एडवाइस देना चाहते हो टीवी वॉरियर्स को या उनके फैमिली मैं मेंबर्स जस्ट को? यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अभी मैंने काफी लोगों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देख ली है, जो ट्रीटमेंट पे है, जिनकी काफी लंबी ट्रीटमेंट हो गई है, जिनकी मिड जो मिड ट्रीटमेंट है, उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है ट्रीटमेंट को लेके. बहुत कुछ कुछ लोगों के अंदर बहुत सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, जो कि गलत है. ये चीज हम चाहे जितना भी उनको बोले ना, वो आपके खुद के अंदर की स्ट्रेंथ ही चेंज कर सकती है उस चीज को. चाहे आप जितना भी उन्हें काउंसिल कर लो या हम मैं कर लूं, कुछ नहीं होगा. अल्टीमेटली उनकी इनर स्ट्रेंथ, उनकी जो पॉजिटिविटी है, वो ही काम आएगी. बस 1 साल की बात है, 6 महीने सबके, मतलब बहुत लोगों के निकल गए हैं जो डिफिकल्ट पीरियड होते हैं, बस निकालने की कोशिश करो. जिस दिन आपकी ट्रीटमेंट ओवर होगी ना, उस दिन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, वो पूरे पूरे चीज के लिए वर्थ इट होगा. आप तो उस फीलिंग से गो थ्रू हो चुके हो, तो यू नो इट वेरी वेल कि बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है. हम भी उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि बस अब वो दिन आए. और तो मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर दिन एक डर की तरह थी। और मैंने ना एक ड्राइंग बनाई थी एक्चुअल में उस टाइम, तो मुझे ये था कि जैसे मैं ऐसे मैंने महीनों की ड्राइंग बनाई थी, तो मेरा जैसे एक हाँ, महीना निकलता था ना, तो एक होता ना जैसे रिवर क्रॉस करते हैं हम, तो मैंने एग्जैक्टली. 16 सारा कुछ इतना बनाया था मैंने, और वहां पे अपने आप को एक एंड एंड वाले उसमें हैप्पी वो ड्रॉ किया था, तो जब भी मेरे हाँ, महीने कवर होता था तो मैं उस पे जंप मारती थी। और वैसे वैसे वो अभी भी मेरे पास, मैंने वो सेव करके एग्जैक्टली. रखी है चीजें, तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट। अगर गाइस, अगर आप देखो चल नहीं पाते, बेड रिडन होते, अगर आपने चलना भी स्टार्ट कर दिया ना, इससे एन अचीवमेंट। अगर आप शुरू करते हैं वो भी अचीवमेंट है। बिल्कुल. और सबसे सबसे बड़ी चीज जो मैं करती हूँ आज के दिन, सबसे छोटी सी छोटी चीज में मेरे लिए तो मेरी अचीवमेंट है. मेरा जिस दिन 6 months का मेडिकेशन खत्म हुआ था, उस दिन मैंने छोटा सा एक कपकेक काटा था, क्योंकि वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है. जिस दिन 1 ईयर खत्म हुआ था, उस दिन मैंने सेलिब्रेट किया था. कुछ नहीं, आप अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एक बहुत बड़ी डिजीज है जिससे आप फाइट कर रहे हो, एक बहुत बड़ी जंग है जिसको आप लड़ रहे हो, और जितना ब्रेवली आप इसको लड़ोगे ना,
हमारे स्ट्रगल को कोई और नहीं समझ सकता कि हमें क्या स्ट्रगल किया है हमने 1 ईयर, क्या बीता है। मेरी बाहर के लोगों को लगे भी ये तो ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसको, इंटरनली क्या दिक्कतें आ रही है वो सिर्फ हम लोग को पता है, और उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना हमारी ड्यूटी है। और ऑल्सो काफी मुझे अभी कुछ लोगों ने ऐसे बोला कि उनके पार्टनर्स ने उनको छोड़ दिया, या उनके पेरेंट्स ने उनको डिसोन कर दिया, उनके फैमिली ने उनको डिसोन कर दिया बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट। तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि जो इंसान आपके लाइफ में इतना नेगेटिव है कि आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ सकता है, उसकी जरूरत नहीं आपको। बिल्कुल आप बल्कि आपके लिए एक टेस्ट था, आपको पता चल गया कि उस इंसान की असली असलियत क्या है, वो गया आपके लाइफ से और उसके लिए पार्टी कर रहा है बस। बिल्कुल, क्योंकि एक चैप्टर फ्रेंड हो, फैमिली, कोई भी चीज, हर किसी का एक चैप्टर होता है। अगर वो उस वक्त से एग्जैक्टली आपका साथ ना दे ना, तो देन दैट पर्सन डोंट डिजर्व यू। उसके लिए आपका एग्जैक्टली कोई फायदा ही नहीं है। तो अपना चीज करो, क्योंकि ट्रीटमेंट खत्म बिल्कुल हो जाएगा, जस्ट अ फेज। सो हाँ थैंक यू यशमिता, आप दोबारा आए, दोबारा टाइम निकाला, और जल्दी आपका ट्रीटमेंट खत्म हो, देन वी विल कनेक्ट अगेन। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू बाय।